नवा होम डेकोर कंप्लीट इंटीरियर सॉल्यूशन आपके घर को एक फ्रेश लुक देना चाहते हैं, वो भी बिना लाखों खर्च करे, तो आए मुंब्रा के पहले होम डेकोर शॉप पे, जहां आपको मिलेगा हर इंटीरियर डिजाइन के लिए वॉलपेपर्स, 3D फॉर्म स्टिकर्स, पीवीसी पैनल सीलिंग, पॉप सीलिंग, WPC पैनल, PVC फ्लोरिंग, आर्टिफिशियल ग्रास, ग्लास फिल्म्स और मॉड्यूलर किचन, बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस। अपने घर को चमकाने के लिए एक बार जरूर आजमाएं नवा होम डेकोर, B6 शिमला पार्क कौसा मुंब्रा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। बरेली कांवड़ यात्रा के दौरान हुए पथराव की घटना को लेकर पुलिस की मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई, ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी ने की पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 से 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में जोगी नवादा परिसर से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा, और इस कांवड़ यात्रा में शामिल तथा हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों का आरोप कि जोगी नवादा की शाह नूरी मस्जिद और उसके आसपास के मुस्लिमों के मकानों से कांवड़ यात्रा पर पथराव किया गया, जबकि पुलिस खुद इस मामले के बाद ये कह रही है कि पथराव दोनों तरफ से हुआ है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कांवड़िए यहां पहुंचने के बाद हुड़दंग मचा रहे थे, आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे और उसके बाद उन्होंने ही पथराव किया, उसके बाद जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से पथराव किया गया। बहरहाल बरेली पुलिस ने फिर एक बार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी का राम राज्य है, ये साबित करते हुए मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई की है। सपा के नेता है पूर्व पार्षद उस्मान अली, उनके समेत उनके परिवार के कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। शाह नूरी मस्जिद के जो मौलाना है, इमाम है, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 150 से ज्यादा मुसलमानों पे पुलिस ने अपराध दर्ज किया है, वो भी विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जहां पुलिस कह रही है कि दोनों तरफ से पत्थर चले, उसका वीडियो भी हमने आपको पहली खबर में बताया था कि कैसे कांवड़ियों ने भी पत्थर चलाए, लेकिन यहां पर जो है उसका कहीं पर भी पुलिस विभाग द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, और अब तक पथराव करने वाले इन कांवड़ियों के खिलाफ न तो कोई FIR दर्ज हुई है, न किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है। इसी को लेकर बरेली में ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी ने एक मोर्चा निकाला, इसका विरोध किया पुलिस की एक तरफा कार्रवाई का, और साथ ही प्रशासनिक अधिकारी को मुख्यमंत्री को योगी को देने के लिए एक ज्ञापन दिया और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। किस तरह से यह पूरा विरोध किया गया है पुलिस की कार्रवाई का और क्या मांग की गई है ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी द्वारा, देखिए। जी, ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के द्वारा एक ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय को दिया गया, जिसमें RAC ने ये मांग करी है कि कांवड़ यात्रा का जो तय रूट है उस रूट से ना निकाल के जबरदस्ती नए नए रूट को जो है लेके कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिससे दोनों समुदायों के बीच जो है विवाद पैदा हो रहा है। और इधर देखा जा रहा है माहौल इस कदर बिगड़ गया है कि पुलिस वाले तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में आंवला CO को जबरदस्ती उसमें हाथापाई तक हुई, उनको माफ़ी मांगने पर भी मजबूर किया जा रहा है। इन सबको मांग लेकर किया है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से दुरुस्त की जाए। क्या जो नवादे में जो भी हुआ, वीडियो जो मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मस्जिद के पहले कुछ फेंका गया, फिर पुलिस का बयान भी यह है कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है, लेकिन सिर्फ एक विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ही अभी तक कार्रवाई की जा रही है, जबकि अगर देखा जाए तो दोस्त जो है दूसरे समुदाय का भी है। किसे संबंधित आपने क्या संबोधित ज्ञापन दिया? जी, ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। We'll be right back.